না এলি কিন্তু খুশি আগে সেটিং এস কি করে জ্যাকটা লাগানো আছে, এই জ্যাকটা কি এটাতে ইউজ করা যাবে? লাইভের জন্য তো লাইভ অলরেডি করে নিয়েছি। আচ্ছা যাবে যাবে একটু এরকম করে জানি তো ও আচ্ছা নো ফিল্টার করে দাও, এই হয়ে যাবে, একদিন হয়ে যাবে দিলাম তো বাবু। এই তো ক্লাস করে আর ইউ শুড ওয়ান্ট টু স্টপ চলে এটা এরকম এসছে কেন, কোনো এডিটে চলে এসে এদিকে থেকে দেখে 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 ব্যাস এসে করেন, এটাকে সোজা করেন, টেরা হয়ে যাচ্ছে। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
इसके बाद भी पापा ने बहुत अच्छी तरह से बताई है। क्लास के कोई में पापा ने कहा, फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति कर, क्या करना है? फरिश्ता बनकर के बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति कर। तो आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नई वर्ष के साथ नवयुग नई विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, डायमंड बनने वाले बच्चे को देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं बाबा, आप सब डायमंड हैं, चमकते हुए सितारे हैं, तो आप सबको देख रहे हैं बाबा। तो इसलिए बाबा जी का साकार स्वरूप में थे बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं, यहाँ पे चमकते हैं। इसी तरह से हमको यहाँ पे भूकुटि के बीच में एक डायमंड है, सितारे समझते हुए सितारे, तो उसको देख रहे हैं। तो बाबा का साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। तो आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है, या फिर चमकता हुआ सितारा अच्छा लगता है, देखकर लाइफ को अच्छा लगता है, सब दो डायमंड को अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने समर्पित रूप में चारों ओर डायमंड की डायमंड देखने में रेशम कितना प्यारा लगता है। बाबा को तो चाहे मधुबन में आते हैं, किसको देखते हैं बाबा? शरीर को नहीं देखते, कोई काले है, कोई गोरे है, कोई कैसा है, कोई सुंदर है, कोई नहीं है, उसको भी देखते हैं बाबा। किसको देखते हैं? उनको के बीच चमकते हुए आत्मा को देखते हैं। तो हम लोग को भी क्या देखना है? किसको देखना है? आत्मा को देखना है, आत्मा की गुण को देखना है, शक्तियों को देखना है। तो इसलिए बाबा ने कहा तो आपके संगत के रूप में क्या देखा? डायमंड को देखा, चमकते हुए सितारे को देखा। तो इसलिए बाबा ने वो डायमंड को देखा। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना, चाहे नंबर वन है फिर भी चमक रहे हैं। बाबा के बच्चे तो नंबर वन होते हैं, कोई क्लास में कोई सेकेंड में कोई थर्ड में, चमकते ही बात अलग अलग प्रकार की आपने इसको देख नंबर वन है लेकिन चमक रहे चमक ये डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हैं? डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर देख रहे हो बाबा, उसके क्या देख रहे हो? डायमंड तो देख रहे, গাড়ি গেটের কাছে আছে TR01 C0394, না এই গাড়িটা একটু গেট থেকে সরিয়ে রাখতে হবে, আসা যাওয়া একটু অসুবিধা হচ্ছে। গাড়িটি যার আছে TR01 C0394, এই গাড়িটা একটু সরিয়ে দিতে হবে। আরো একটি অটো এখানে পার্কিং করা হয়েছে, তাকে সরিয়ে দিতে হবে। तो बाबा ने किसको देख करके? शरीर को नहीं देखा, डायमंड को देखा, प्रसृति जन्म शरीर को ही देखा। रामपुर का देखते हैं प्रसृति जन्म शिक्षित के बाद किसको देखा? शरीर को ही देखा। सर्वम जन्म क्या देखा? आत्मा को देखा, आत्मा देखने का प्रयास कर रहा। लेकिन अभी शरीर में चमक हुआ, डायमंड दिखाई देता या
रूपा है जिसमें कभी दिखाई देता है कभी छिप जाता है। टाइम जुबली है तो जुबली में क्या होता है क्या सजाते हैं टाइम जुबली में क्या सजाते हैं आजकल वैराइट की लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है अलग अलग लाइट की अलग अलग लाइट सजाते हैं ये सजाते हैं तो उसमें अलग अलग लाइट सजाते हैं अच्छे से अच्छे देखने के लिए तो आप लोग भी वृक्षों में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हैं वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे लेकिन आप क्या मना रहे हो डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो डायमंड वर्ष मना रहे हो पक्का अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं तो आपके मुख में गुलाब जामुन बाबा कहते डायमंड डायमंड जुबली मना रहे हैं डायमंड बना रहे हैं तो आपके मुख में क्या है गुलाब तो बनाना अर्थात बनना खाली बनाना नहीं है तो उसको बनाना खाली बनाने वाले तो बहुत लोग होते हैं ना गोल्डन जुबली बनाएंगे डायमंड जुबली बनाएंगे सिल्वर जुबली बनाएंगे लेकिन हम अपने आप को कितना बनाया उसमें डिपेंड करता है अपने आप को बनाना पैसे वाला होता है तो बनाना अर्थात बनना नहीं है तो सारा वर्ष डायमंड करेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा क्या बनाएंगे दाग लगेगा या पक्का डायमंड बेदा हीरा बनेगा क्या बनेगा वो बात कुछ है बाप दादा को बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुना गदम मुबारक देते हैं आज पदम है ना एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड दोनों का समर्थन है तो डायमंड वर्ष में बाप दादा ये भी विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो जिससे देखो तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई हो सकता है बाबा के आदत कला का बाबा के बच्चे इतने जो गाय हो सकता है कि डायमंड भी देखे चमकता हुआ सितारा देखे सबको देखे तो बाबा को क्या देखना चाहता है चमकते हुए डायमंड तो हो सकता है ना देख सकते दिखाना चाहिए बाबा तो मतलब हम सब टाइम चमकते हुए सितारे पवित्र वो दिखा कि हर बच्चे को जब देखो जैसे देखो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाए मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं चमकता हुआ डायमंड देखना तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए क्योंकि संकल्प तो आज करना है डायमंड करेंगे भी और देखेंगे चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो एकदम तमोगुणी आत्मा हो लेकिन आप क्या देखेंगे आप क्या देखेंगे कोयला देखेंगे या डायमंड देखेंगे क्या देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ना आत्मा चमकता हुआ सितारा बहुत सुंदर डायमंड है उसको देखेंगे ना अच्छा तो आपके दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन खत्म होता जाएगा जब आप डायमंड को देखेंगे आत्मिक स्थिति में रहकर के आप आत्मा को देखेंगे तो क्या देखेंगे उसका दो भी कालापन में खराब संकल्प है वो सफल हो जाएगा डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना अमृत देने से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड देखना ये पक्का किया है या डायमंड जुबली मनाना तो हर स्थान पर सिर्फ दो तीन फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गए फंक्शन करो निमंत्रण दो जगाओ ये तो करना ही है और कर भी रहे ठीक है ना प्रोग्राम तो करते रहेंगे हर जगह में प्रोग्राम
पहले मैंने डायमंड को देखा, डायमंड को देखा काफ़ी प्रोग्राम हुए, डिसिप्लिन बोर्ड का प्रोग्राम हुए काफ़ी हुए, तो प्रोग्राम को करते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा फंक्शन के साथ साथ अपने आप को कितना रहा है इसको देख। लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है।
देखें लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत ही दिखाई देते हैं, आत्मा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रैक्टिस तो आत्मा को देखने का करना है, बुद्धि को नहीं। बाबा ने ज्ञान वही दिया ना, सबसे पहला लेसन क्या दिया बाबा, आत्मिक स्थिति दिया। हम आत्मा के लिए तो सबको ज्ञान देते हैं, हम अपने आप कितनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो वो हमें प्रैक्टिस करता है, अपने आप को चेक करना है, वही बाबा ने प्रैक्टिस करने के लिए। तो बाबा ने कहा, तो बाप दादा कहते हैं चलो गिनती की से जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो गिनती नहीं है ना, फरिश्ता हमारा लाइफ का आना। तो फरिश्ते स्वरूप पे स्थित होकर हर कर्म करो, ऐसा नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते, कर सकते हो, न्यारा प्यारा होकर आप काम कर सकते हो, कर सकते हो कि साकार चाहिए, कर सकते हो बाबा खुश रहे, या साकार चाहिए, या ये हटी मानो ये शरीर चाहिए, क्या चाहिए आपको, फरिश्ता कर सकते हैं ना, फरिश्ता होकर काम कर सकते, क्योंकि साकार शरीर से और जन्मों का ज्ञान तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, तो बार बार याद करता है, बार बार खिसका है। तो बाप कहते हैं अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई अर्जा नहीं, बाबा ने कहा कोई अर्जा नहीं है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, कोई अर्जा नहीं है, आपकी लाइफ का शरीर देखो, ठीक है, आप बड़े आप शरीर देखने का आदत हो गए हो बड़े देखो, लेकिन लाइफ का शरीर को देखो, आपकी मन का शरीर को नहीं देखना, लाइफ का शरीर को, शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीर भारी है उसको देखो। और आप सभी कहती भी हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से लोगों को प्यार, तो प्यार का अर्थ है क्या बनना, प्यार का अर्थ क्या है, बाबा के समान बनना, ब्रह्मा बाबा के समान बनना, फरिश्ता समान बनना, और बाबा को कैसा बनना, तो जैसे ब्रह्मा बाबा क्या है फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करो, ये प्रैक्टिस हो, ब्रह्मा बाबा जैसा फरिश्ता स्थिति में रहे, क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 7 वर्ष संपन्न हुए हैं, तो विशेष स्थापना के लिए शिव बाप तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना, आपकी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते, क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो ना, तो ब्रह्मा बाप की स्थापना के कारण की जुबली मना रहे हैं, तो जिसकी जुबली मनाए जाते हैं उसको क्या दिया जाता है, बाबा पूछते हैं जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है, गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट देते हो, तो आप सभी गिफ्ट देंगे ना, आप सभी गिफ्ट देंगे कि ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गए, कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, क्योंकि गिफ्ट में बहुत प्रकार के सामान आता है, कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये गिफ्ट तो है मनोरंजन के लिए, ये गिफ्ट जो है मनोरंजन, ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देखकर भी खुश होते हैं, आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश हो गए, कोई घोड़ा नाच रहा है, हाथी भी नाच रहे, तो उसको देखकर तो खुश हो जाते हैं लोग, वो बड़े निगाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन से देंगे, आप क्या देंगे, ब्रह्मा बाबा को क्या गिफ्ट देंगे, देखो किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है, देखते हैं ना, देखा जाता है इसको क्या गिफ्ट पसंद है, उसी अनुसार गिफ्ट लेके देता है ना, गिफ्ट
देखते हैं कि ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या किए हैं, ब्रह्मा बाप को क्या किए थे बाबा ने यदि में दे चुका है तो क्या बनना है, कनिष्ठा स्थिति। कौन सी गिफ्ट बाबा बोलते देखो फरिश्ते रूपों में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। नहीं नहीं बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है, बाप के दिन पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप यही चाहते हैं ब्रह्मा बाप। हम सबसे क्या चाहते हैं ब्रह्मा बाबा चलता फिरता फरिश्ता स्थिति बने, फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा, आपके संकल्प वृत्ति दृष्टि सब डबल लाइफ हो जाएंगे। कितना अच्छा है तो लाइफ लाइफ हल्का हो जाएगा, कोई भारी नहीं होगा ना, आपको कोई बोझ महसूस नहीं करेंगे, सब डबल लाइफ हो जाएंगी। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो हाजी है बाबा को पक्का पता भी हाजी है बढ़िया। तो बाबा ने कहा हाजी देखना आपको टेप नहीं हो रहा है, टेप कर रहे बाबा रिकॉर्डिंग कर रहे, देखना बाबा रिकॉर्डिंग कर रहा है। अच्छी बात है गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे, तो जैसे हिरण चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। बाबा बोलते आपका फरिश्ता रूप चमकेगा, यह अभ्यास अच्छी तरह से करते हो है ना, ठीक तरह से अच्छी तरह से करते। अमृत पहले उठते स्मृति मिला मैं कौन हूँ, सोचो मैं कौन हूँ, फरिश्ता हूँ, संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपने रिजल्ट देखते हो और लिख करके ही देते हो तो मेजोरिटी कहते हो कि जितना चाहते थे उतना नहीं हुआ, जितना चाहते उतना नहीं हुआ, 50% 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल होंगे, क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, फुल होना चाहिए। तो बाबा ने कहा फुल हो गया क्या होगा, डबल फॉरेनर्स वालों डबल फॉरेनर्स को पर्सेंटेज होगी या ना, थोड़ा थोड़ा छुट्टी दे शक्तियों में पर्सेंटेज होगी, हम उम्र से नहीं करते सोच के करते हैं, सब जानते हैं ना बाबा सब देखता है, सुबह उत्साह से नहीं बोल रहे हैं देख कर वो भी बाबा जानते हैं, डबल विदेशी या भारत हुआ अगर पर्सेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा, ब्रह्मा बाबा क्या करेगा, शाबाश देगा, बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा, रोज आपको अमृत देंगे अपने बाहों में संभालेगा। जब आप फरिश्ता बन जाएंगे ना अमृत लेना होता है आपके दिल में समान, ये चाहिए ना नहीं चाहिए, सही ना, ब्रह्मा बाबा समान चाहिए ना, हम सब बाबा के दिल में समान समाना चाहते हैं ना। आपको महसूस कर होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अति प्रिय सुख में झूल रहे हैं, बड़ी बड़ी कभी पहले मिलेगी ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत पहले कभी पहले मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा, जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आएगा पानी भर गया तो साफ छत्र छाया बन गया, श्री कृष्ण के ऊपर भी क्या देखा था साथ में छत्र छाया बन गए आगे, उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है लेकिन वास्तव में ये है दुखा मिला, ये संगम युग की बात है, संगम युग का कहानी है। तो बाबा ने कहा आप कनिष्ठ बन जाओ तो बाबा समान
ऐसा भी परिस्थिति आएगा तो आप दूर के चले जाएंगे और स्थिति ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगे। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आए या कोई भी विघ्न आएगा तो आप स्वयं आपकी आपकी छत्रछाया बन जाएगा, आप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाएंगी करके देखो। क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते, पापा जो रियल है वही कहते, झूठ पाकर नहीं बोलेगा ना। तो बहुत ही स्क्रूप कहते हैं ना, त्रुटि तो कहेगा, सच्चाई तो कहेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हारित हो गया, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हारित हो। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं, आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ? दादी उनको पूछा, 14 ईयर्स दादियों ने तपस्या किया, हम लोग 14 डेज है ना, 14 दिन पक्का देख के चुपचाप नहीं देख पाते, देख सकते तभी बैठा, 14 दिन नहीं है 14 घंटा चुपचाप नहीं देख पाते, बिना ही नहीं बैठ पाते हैं ना। तो दादी ने कितना मेहनत किया, आदरणीय दादी ने आदरणीय भाई जी होते कितनी मेहनत की, आज उसी की क्या तपस्या की फल है ना, शक्ति उसी से हम फल आते हैं। तो कितनी शक्ति आपके दादी को है, और हम लोग 14 दिन तपस्या नहीं कर पाते। ऐसे बात नहीं था, कितनी विघ्न आए कुछ हुआ ना, नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों ने इतनी त्याग तपस्या किया, इतने मेडिटेशन किया, इतनी शक्तिशाली पावरफुल आत्मा हुआ, कोई भी परिस्थिति आए बिल्कुल नहीं बोला, पक्का बाबा के बच्चे बने और हमारे देवों के इतनी परिपूर्ण करने के लिए इतनी आगे बढ़ाए दादी देख। तो इसलिए बाबा ने कहा आप भी क्या करो, खूब क्या करो मेडिटेशन, तो बाप दादा चक्र छाया बना ना। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया मुखिया मुखी नेता गुरु लोग सब एमपी हो गए, you
আতঙ্ক নেই, এত বিলাম নেই, কুচিপি নেই। व्यक्ति पर बेहतरीन लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखी, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया कौन बनी है, कौन रहा? छत्र छाया कौन बने? शिव बाबा, स्वयं परमात्मा है, सुप्रीम फादर बाबा है, सर्वशक्तिमान बाबा है, कौन क्या कर सकता है? अंग्रेजों को आप देखो कितनी पावरफुल शक्ति है बाबा जी पास, बहुत सतर्क सहायता है। कोई नुकसान हुआ जब पाकिस्तान में तो लोग हंगामे में डर कर सब छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान में कुछ हंगामा हुए हैं जैसे बाबा की 1936-7 उसी समय की बात है ना, शुरुआत की बात है, 1950 कितने का बात देखे बाबा ने बता रहे हैं कि उसमें हंगामा हुए, बाकी लोग सब छोड़कर करके भाग गए। और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया क्योंकि जो अच्छी चीज लगती थी वो छोड़े कैसे, उससे प्यार होता है। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिए, जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो हाथ जोड़ कर देकर गए कि आप भी यूज करो। जिसमें एंट्री थे वो लोग सामान को देके चले गए, आप लोग भी यूज करो। आप देखो भगवान का काम भगवान के साथ कैसे चलता है, वंडरफुल है, कैसे भी करके बाबा चला, कुछ भी नहीं होने देता बाबा के बच्चे को, कुछ भी होने नहीं देना, बाबा इतनी रक्षा करता, इतनी शक्तिशाली बाबा के बच्चे को डरना किया है। क्यों डरना? हिम्मत रखो, शक्ति रखो, बहुत शक्तिशाली है ना। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 500 रुपये में सब्जियों की सारी बेल जारी थी उसी समय। दुनिया वालों के लिए डर था हंगामे को, तो 500 रुपये में सब्जियाँ आप कितने मजे से सब्जियाँ खाते, तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों की चतुर छाया पर कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। आप देखो तो आपकी हिम्मतशाली है, बाबा के बच्चे शक्तिशाली को करना है। तो जब तीनों को अनुभव पहले आप जो चाहे जितना चाहें वर्ष में चक्र छाया और ब्रह्मा बाप के खिलाफ प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। ये इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से थक जाते हैं, जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय तो चेहरा देखते हैं जैन भी बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे? कविता कविता रूप से बनना कितना देखी जाए, कविता कविता करना इससे ही टाइम, क्योंकि जो मूल्यवान देना और जब चमकता है तो उससे किरण निकलती है,
चमकेगा तो कितना निकलेगा उससे। तो इसलिए बाबा ने कहा चमकता हुआ जब सीताराम को, बाबा को भी बोलते हैं तो हम लोग भी कौन है, चमकते हुए सितारे हैं, डायमंड भिन्न भिन्न रंग दिखाई देता है। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियाँ दिखाई देगी, चारों तरफ शक्ति ही शक्ति दिखाई देगा, पावरफुल शक्तिशाली आत्मा है, कमजोरी नहीं। वैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी, कोई आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्ति रहने से दुख की लहर नहीं आ सकती। और स्लोगन है, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते हैं, ठीक है ना। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते हैं। आप सब डबल लाइट है ना, फरिश्ता है ना। हाँ बाबा, फरिश्ता बनने के लिए पक्का कर दिया है। ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारे मृत्युंजय भाई सब आएंगे, आप सबका क्लास कराएंगे।
और आदरणीय हमारे रुक्मणी बहन जी भी आए हैं, जुनाली दीदी भी हैं यहाँ पे, आप सबके बीच में कब से हैं यहाँ पे, तो सारे लोग आएंगे, आप सबसे मिलेंगे और बहन जी का श्रद्धांजलि होगा यहाँ पे ना। पहले क्लास है, भाई जी का क्लास है, तो इसलिए आप लोग सब मिलेंगे यहाँ पे। भाई जी का जुनाली बहन जी मानेंगे तो बहुत अच्छा। हम सभी आदरणीय बहन जी के लिए योग करते हैं, जब तक भाई जी आए तब तक हम लोग योग करते हैं। ठीक है, आज तो आदरणीय बहन जी का ये देने का श्रद्धांजलि देने का दिन है, हम सब प्यार से आदरणीय बहन जी को श्रद्धांजलि करेंगे, भोग लगाएंगे, योग करेंगे, बहन जी से दृष्टि लेंगे। ठीक है, ओम शांति। और बाकी चारों तरफ से आदरणीय बहन जी के वास्ते सब तरफ से, नॉर्थ ईस्ट से, मधुबन से, दिल्ली से, मुंबई से ना सारे लोग पहुंच गए हैं आज तो। शायद गुजरात से भी आएंगे, दिल्ली से एक आदरणीय बहन जी शुक्ला दीदी भी आने का बात है। तो आप सबको बहुत बहुत भाग्यशाली है, बहन जी के द्वारा सारे आदरणीय बहनों का, हमारे भाई जी लोगों का है ना, दीदियों का आप सब दृष्टि मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत बहुत भाग्यशाली है। बहन जी से सब लोग बहुत प्यार है, तो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट से भी बहनें हमारे आ गए हैं सीधे। ओम शांति। Thank you.
ओम शांति। सबने बाबा का वाणी सुना। हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि कविता बहन भी बहुत भाग्यशाली थे, इसलिए सारा यज्ञ का कविता बहन से प्यार है, इसलिए त्रिपुरा से भी सबका प्यार है। तो हमारे बीच आदरणीय यज्ञ के आदि रतन राजयोगी मृत्युंजय भाई जी पहुँचे हैं। बहुत व्यस्त रहते हैं और आपको पता भी है, अभी कॉन्फ्रेंस चल रहे थे जब कविता बहन ने शरीर छोड़ा तो शांति वन में बहुत बड़ा सबमिट का प्रोग्राम चल रहा था। फिर भी हम लोगों ने एक ही बार फोन किया, कविता बहन का समाचार सुनाया और निमंत्रण दिया। इतना व्यस्तता शेड्यूल से तुरंत हाँ करके भाई जी पधारे, हमारे पास कल पहुँचे हैं तो हम उनका बहुत बहुत आभारी है। आप सबको तो भाई जी का परिचय देने का मैं समझती हूँ दरकार नहीं है, फिर भी कुछ भाई बहने नए हैं तो भाई जी तो अपना परिचय अपना देंगे ही। भाई जी 19 साल के थे तब, मैं जितना जानती हूँ तब ज्ञान में आए और उस समय से बाबा की सेवा में पूरा तत्पर है और अभी मधुबन यज्ञ का मूल पिलर है। निर्भय भाई जी और मृत्युंजय भाई जी हमारे यज्ञ को सारे विश्व के चलाने का निमित्त है, मुख्य पिलर बन के कार्य कर रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है यज्ञ के और वाइस चेयरमैन है एजुकेशन विंग के, और ये तो सिर्फ बोलने का है परंतु अच्छा तो परंतु सारा यज्ञ हर प्रकार से यज्ञ को संभालते हैं। ये तो एक डिपार्टमेंट सिर्फ नाम का है परंतु यज्ञ का हर प्रकार से हर तरफ से यज्ञ को संभालते हैं। जितना कंस्ट्रक्शन होता है उसमें दिन रात, इतने एज होते हुए भी शरीर में भी पुराने शरीर में तो कुछ कुछ होता ही रहता है, फिर भी उसको बिल्कुल ध्यान शरीर के ऊपर नहीं देकर, जो बाबा ने ड्राई फ्रूट कहा ड्राई फ्रूट खा खा कर दिन रात, रात को कितना बजे तक सेवा करते हैं। मैं मधुबन के उनके साथ जो रहते हैं वो सेवाधारियों से, वो इंजीनियर से मैं सुनती हूँ, भाई जी दिन रात तत्पर होकर खड़े होकर जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम चारों तरफ चलता है उसको भी देखते हैं और यज्ञ के जितना ऑफिशियल कारोबार है सब देखते हैं। तो मैं क्या बोलूँ, यज्ञ का एक बाबा का नूर है, रतन है, ऐसे रतन ऐसे नूर आज अगरतला में हमारे बीच में है। हम बहुत बहुत धन्य हैं। जोर से करतल धनी से भाई जी का स्वागत करें और मैं बहनों को बोलती हूँ फूल का गुलदस्ता लाएं और उत्तरीय लाएं, उससे भाई जी का स्वागत करें। भाई ने बोला प्यार से, सब सब भाई बहनों का प्यार आपको गुलदस्ता के रूप से भेंट कर रहे हैं, इसीलिए भाई जी ने बोला आज तो मेरे को देना चाहिए श्रद्धांजलि में गुलदस्ता, परंतु हम सभी
त्रिपुरा निवासी बांग्लादेश निवासी भाई बहन की ओर से हमारी आपके प्रति प्रेम श्रद्धा सुमन हम गुलदस्ता के से भेंट कर रहे हैं और ये उत्तरीय यहाँ के रीति स्वागत करने का उत्तरीय पहनाकर बहने स्वागत कर रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ क्योंकि अमूल्य रतन भाई जी के मुकम्मल से हम सुनने चाहते हैं, इसलिए मैं माइक देती हूँ, माइक दे दो भाई जी को। दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बाद में शुरू करेंगे। ॐ शांति, ॐ शांति, ॐ शांति। हम सभी आज विशेष कविता बहन की अव्यक्तारोहण की उपस्थिति में उसी कारण से आप सबकी इतनी बड़ी संख्या को देख करके मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। इतनी प्रभु प्रेमी, उतना ही ब्राह्मणों के परिवार का प्रेमी, उतना ही दुनिया का भी प्रेमी, उतना ही सेवक किया इन्होंने, उसका फल स्वरूप आज इधर विशेष सभा देखते हैं।
याद उनका स्मृति उनके साथ वार्तालाप किया हुआ वो बातें और यहाँ आने का पूर्व में आया था, ये सेकेंड टाइम है इधर अभी याद आ रहे हैं। आज बाबा ने बच्चों को डायमंड बनने के लिए इशारा दिया, डायमंड जुबली भी हो गया, प्लैटिनम जुबली भी हो गया, अभी क्या करना है? हम सब हीरा बन करके बाबा का गले के हार बन करके बाबा के गोद में रहना, फरिश्ता बन करके बाबा की गोद में आना। बाबा ने विशेष उस बात का भी अव्यक्त मुरली में अंडरलाइन किया, परंतु बाबा ने अव्यक्त हो गया 1968 में 69 में, तब से लेकर के मधुबन में यज्ञ में आदि रतन बाबा के बाद में अनेक दादियाँ, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, संतमणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, मुझे भी मालूम पड़ा जानकी दादी का कार्यक्रम बना था इधर, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में शायद असम में आए थे, उसके उद्घाटन के बाद में इधर आने का था, उनके लिए कार स्पेशल रूम भी बनाया, रास्ता भी बनाया, पर तो ड्रामा वो नहीं आ सकता, एक ड्रामा के ऊपर हम सभी निर्भर है। मुझे 22 तारीख सुबह प्रातः समय उसका देहांत का समाचार सुना, मैं उसी दिन एक बड़ा प्रोग्राम भी था, ग्लोबल समिट था, उसके फलस्वरूप आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब वो भी आए थे, उन्होंने हम स्टेज पर ही हम सब बैठे थे और समाचार पहले तो मिल गया था, मैं स्टेज में भी अनाउंस करके उस कार्यक्रम में सबको कहा, करीब 6,000-7,000 भाई बहने उपस्थित थे डायमंड हॉल में, उधर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम मौन भी आचरण किए। परंतु उसी टाइम में मेरा मन में भी संकल्प में था, मुझे यदि ये कॉन्फ्रेंस नहीं होता तो मैं सीधा इधर ही आने वाला था, बाद में कॉन्फ्रेंस को मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं नियम भी प्रमाण उसके निमित्त बना था, एक ग्लोबल समिट थी, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे गेस्ट आने वाले थे, आपके आसाम का चीफ मिनिस्टर पहले स्वागत सत्र में ही आ गए थे, उसके बाद में कई मिनिस्टर, गवर्नर और काफ़ी लोग, नेपाल से भी कई चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर डिप्टी पीएम भी, ऐसी तो बहुत लिस्ट बहुत बड़ा है, परंतु मैं उन सब के बीच में इधर आने के लिए संकल्प कैसे छोड़ूँ, उसका बड़ी मुसीबत था। परंतु चुनाली बहन ने मुझे फ़ोन किया, एक भाई ने भी फ़ोन किया, मैंने बोला इस बात जरूर जाएंगे मैं, क्योंकि अलकाबंद जो भी क्या सारे इंडिया में सारे देश में सभी प्रमुख परिवार के बीच में एक चमकता हुआ हीरा था, और मैं फर्स्ट टाइम उधर आया था, उसी समय भी देखा मधुबन में हमने यूनिवर्सल पीस काउंसिल प्रारंभ किया था ओम शांति भवन में 1982 से 83, 84, 85 कंटिन्यूस, उन दिनों में भी मैं आपसे मिलने के लिए अवसर मिला था, कई बार हम दोनों आपस में मिलते रहे, और केवल नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं सारी है कि मैं एक हीरा मैं अपने आप को भाई जीवन उनके सारे परिवार इस स्थिति में चलते हैं, उनके माँ और भाई भाई और भाई उसको भी देखा आओ इधर आओ इधर आओ ज्ञान में ये भी चलते उनके परिवार पहले जब मैं बस में मैं था उसकी माँ बोलते जो मैं सोचते उसके बाद में मैंने कहा इसको क्यों इतना बोलते जो मैं वो ज्ञान में चलने वाले माँ है आप सेंटर पर रहते हैं और पिताजी तो थे नहीं फिर माँ को भी आपके पास रखो उनको संभालो परंतु मुझे कुछ दिन पहले मालूम पड़ा कविता बहन शरीर छोड़ने बहुत शांत स्वभाव का नेचर है।
खुशी रहना, उसका मम्मा बाबा के प्रति बहुत प्यार, सभी दादियों के प्रति बहुत प्यार, सभी परिवार के प्रति बहुत प्यार, परंतु इतना होने के बावजूद भी उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बीमारी भी पड़ गए पिछले दो दिन साफ थे। शुगर तो थी और शुगर तो आजकल सबका होता है, अधिकांश लोगों को परंतु मैनेज करना पड़ता है, मेनटेन करना पड़ता है, कुछ दवा और कुछ धुआ दोनों के आना। बाबा ने दवाई के बारे में एक बात पढ़ी दादी प्रकाशमणि दादी और एक बाबा को अपना हेल्थ के बारे में बाबा ने उसको सुनाया, एक शांति बाबा ने उसको दृष्टि दे करके ड्राई फ्रूट समझ करके खा लो तब अच्छा नहीं लगता परंतु दवा खाना ही पड़ता है, उन्होंने अपने हेल्थ को साफ करने को और रहे। वही फर्स्ट टाइम आया था इधर एक छोटा सा सेंटर था, अब मैंने कल ला करके मुझे हैरान हो गया, आश्चर्य लगा, इतनी पहाड़ी इलाके में इतनी रिसोर्स नहीं है, फिर भी उनका योग बल क्या नहीं कर सकता है, इतनी बड़े ज़मीन लेकर के फिर उन्होंने बहुत अच्छे भव्य भवन बनाया। ऐसी ताकत वाले ही कर सकता है, हिम्मत वाले ही कर सकता है, निश्चय बुद्धि वाले ही कर सकता है और प्रभु के प्रति समर्पित भाव है तभी कर सकता है, इतने लोगों को प्रेरित करते हैं। मैंने कल पूछा था कल कितने लोग रहेंगे, उन्होंने बोला लगभग 3,000 लोग होंगे, 3,000 इस पहाड़ी इलाके इन 7 राज्यों में अलग अलग स्थानों में। मैं देख रहा हूँ आसाम का भी इधर बहुत बहने बैठे हैं, क्लास स्टूडेंट बैठे हैं, भाई लोग भी बैठे हैं और अन्य स्थानों पर भी आए हुए हैं। आप सबको देख करके ये आश्चर्य लगता है, एक बहन शक्ति शिव शक्ति, वैसे कल तो मैं त्रिपुरा पैलेस में भी गए थे थोड़ा टाइम देखने के लिए, वायु जी ने लेते थे, बहन जी ने प्रोग्राम बना करके भेजा, उसका इतिहास में इस धरती को शिव का धरती था और साथ साथ में शक्ति का भी दर्शन उधर दिखाते हैं। शिव शक्ति हमारा प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्राइम मिनिस्टर वर्तमान समय का, उन्होंने चंद्रयान का लैंडिंग हुआ उस स्थान का भी शिव शक्ति लिख दिया। मैं शक्ति तो परंदाम तो है ही है, चंद्रमा भी उनका नाम है और उसके साथ तो केवल अकेला नहीं है, उसके साथ आप सब है, शिव की शक्ति भी उधर है। तब से लेकर के एक दुनिया में बहुत परिवर्तन का बहुत गति में स्पीड हो रहा है और उसके बाद में आप देखते हैं हमारे देश में एक नया कानून बनाया महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, वो भी रात में 1 बजे तक वो सेशन चलता है, 3 दिन कंटिन्यूस डिस्कशन करते होते हैं। मेरे को उसी टाइम एक बात याद आया, अभी सरकार का भारत सरकार 75 ईयर्स के बाद में बहनों के बारे में सोच करके इन्होंने 33% का रिजर्वेशन इन्होंने एक कानून बनाया। बाबा ने 1937 में जो स्थापना किया तब से लेकर के बहनों के ही ऊपर कड़श रखा, ज्ञान भी कड़श रखा, सेवा का भी कड़श रखा, शक्ति के रूप में बाबा ने उन सबको संबोधित किया, वास्तव में शक्तिशाली आत्मा बनाया बाबा ने, और एक एक आत्मा को बाबा ने अपनी पर्सनल टच दे करके, सहयोग दे करके, दृष्टि दे करके, वरदान दे करके और अपना साथी भी बनाए, और हम सबको बनना भी बाबा की साथी संगम युग में, अलग अलग जन्मों में अलग अलग आत्माओं के साथी हो सकता है परंतु संगम युग में बाप दादा खुद भी अपना साथी बनाया और साथ साथ में हम दुनिया को देखने की नज़रिया परिवर्तन कर दिया, दृष्टिकोण को परिवर्तन कर दिया, हम सबको साक्षी होकर के देखना, साथी बन करके चलना, इस बात को बाबा ने अनुभव करा करके हम सबको आत्मा बना करके, केवल आत्मा ही नहीं है, हम सब फरिश्ता आत्मा है, हम देव आत्मा है, हम बाबा के गोद में पलने वाले, बाबा का स्नेह का अनुभव करने वाले। बाबा ने ज्ञान रत्नों से खेलने का, ज्ञान रत्नों से भोजन करने का, ज्ञान रत्नों को बांटने का, ज्ञान रत्नों से दुनिया को सुसज्जित करने का, अपने के साथ साथ दुनिया को भी ऐसी बाबा ने बना दिया है। परंतु ऐसे एक एक रत्न को हमको देखने को मिलता है, एक एक आत्मा असंभव को संभव बनाते हैं और दुनिया भी आश्चर्य का दे, शुरू से लेकर के ये शिव शक्तियाँ बहनों के बारे में सब सोचते तो असंभव को संभव हो सकता है और आश्चर्य लगता है। अभी तो दुनिया भी धीरे 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 जो पहले नेगेटिविटी था वो खत्म होकर के बाबा के परिवार के साथ समीप आ रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं, साथ साथ में उसका वर्णन भी कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं संदेश भी देते हैं,
इस प्रकार की सेवा का एक नया रूप रंग हमको देखने को मिल रहा है। पहले तो प्रयास करना पड़ता था, पुरुषार्थ करना पड़ता था, दृढ़ संकल्प करना पड़ता, अभी भी दृढ़ संकल्प करते हैं, परंतु बहुत संघर्ष करने का दिन था। अभी संघर्ष करने का दिन खत्म हो गया, अभी बाप समान बन करते थे। संगम युग का हर घड़ी, हर सेकंड, हर दिन, हर परिस्थिति को ऊपर, जैसे आज भी मुरली में बाबा ने जो परिश्ता बनता है ऑटोमेटिकली ऊंच स्थिति होता है, उसमें लाइट हाउस बन करके देखते हैं और इतना सम्मानपूर्वक देखते हैं और हर व्यक्ति को एक अपने अपनापन का अनुभव करते हैं ब्राह्मण परिवार के बारे में। इसके लिए बाबा की शिक्षा तो है ही है, परंतु अपना पुरुषार्थ भी इतना होना चाहिए। और देखो बहन जी, कविता बहन को उतना अच्छे पुरुषार्थ भी थे, जब बीमारी थी उसके चेहरे पर इतना बीमारी का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था, उसका चिन्ह दिखाई नहीं देता था, बेफिक्र भाषण, प्रकृति जीत भी रहे। प्रकृति का बचना भी, कितना भी परिस्थितियाँ है, कितने भी बीमार हो, कितने भी बातें हो, और उसका चेहरे पर उसका नहीं आना, एक बहुत बड़ी साधना की, बहुत बड़ी विश्वास की, बहुत बड़ी बाबा का सहयोग की, और उनका स्नेह प्यार उसी वक्त में भी दिखाई देता है। इसके लिए बाबा ने कहते जो अविनाशी आत्मा में अविनाशी ज्ञान रत्न है, अविनाशी स्थिति बन जाए, समान बन जाए बाप का, उनका हर काम में संकल्पों से सिद्धि होती। आप सभी ने देखा, दादी जानकी दादी को देखा, दादी प्रकाशमणि को देखा, दादी गुलजार दादी को देखा, आज के दिन में भी हमारा रत्नमणि दादी पूर्वजों में एक ही एक रत्न मधुबन में है, उसका भी 99 ईयर्स है। 99 ईयर्स में भी इतनी उसके चेहरे पर खुशी, उसके चेहरे पर आनंद, उनके चेहरे पर भले मेमोरी कम होता है, हम लोगों को भी मेमोरी कम होते जा रहे हैं, परंतु उसकी मेमोरी इतना नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी उनको मिलने के लिए अभी अभी एक तो आपका सी एम खुद आए थे असम के, उसके बाद में काफ़ी मिनिस्टर थे वो भी उधर आते थे, दादी से मिलते थे, इतना खुश हो जाते थे। हमारा कहने की भाव है, आप आत्मा बन करके जीवन जीते हैं, आत्मा बन करके परमात्मा का साक्षी अनुभव करते हैं, आत्मा बन करके दुनिया के ड्रामा का उथल पथल को देखते हैं और उथल मुझे बीच बीच में गर्म पानी पीना पड़ता है, थोड़ा गला खराब है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को उड़ती कला का अनुभव कराया, साथ में बाबा ने तन मन धन समय संकल्प को स्वास्थ्य को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका सिद्धि स्वरूप अनुभव है। इसके लिए संकल्प भी उनका ताकत है, संकल्प भी उनका वरदान है, संकल्प भी अपने जीवन जीने की ताकत मिलता है। और संकल्प में विजयता आती है, पवित्रता आती है, शांति आते हैं, व्यर्थ को समाप्त हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा चमकता हुआ हीरा बन जाएंगे, चमकता हुआ लाइट हाउस बनेंगे और किसी को भी मदद कर सकता है, किसी को भी हेल्प कर सकता है, किसी को भी दया प्रेम और करुणा का अनुभव करते हुए, क्षमा का भाव को रखते हुए, गलती करने वालों को भी क्षमा करो, उनको भी आगे उम्मीद दिलाना, उम्मीद उम्मीदों की सितारे हम सभी बन करके काम कर रहे। ऐसा दीदी को मैंने उसकी ये लक्षणों को, इन गुणों को, इन शक्तियों को, इस एक जीवन जीने के कला को हमने उनके जीवन में भी देखा। इसके लिए परिश्रम भाव का बाबा ने वरदान दिया है, केवल 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100 के लिए नहीं, सारे ब्राह्मणों के लिए वरदान है। ये वरदान को अनुभव करते हैं तो हम अपनी कोई भी परिस्थिति दुनिया में चेंज होते हुए परिस्थिति में परिस्थिति हमको भी असर पड़ सकता है, परंतु उस असर से मुक्त हो जाना, उस सकर का प्रभाव में नहीं आना, उस संकट का वो घड़ी हम लोग पार करके एक अपने ही वायुमंडल, अपना ही वातावरण बन सकते हैं। इसके लिए हर व्यक्ति नया दुनिया का एक संकेत है, हर व्यक्ति नया जीवन जीने की कला का एक अद्भुत रहस्य समाया हुआ है और हर आत्मा इस समय में बाबा का फरिश्ता बन करके मूर्ति कला का अनुभव करते हुए दूसरों को भी संकल्पों से भी वरदान दे सकता है। और कर्म तो वरदान तो ही दे रहे, आदर्श प्रस्तुत करते हैं, साथ साथ में संबंधों में कितना भी कोई कठिनाई बात हो,
संस्कार वाला खड़े संस्कार वाले हो, उनको भी उम्मीद दिला सकते हैं, उनको भी चेंज कर सकते हैं, उनको भी विश्वास, घातक लोगों को भी विश्वास में परिवर्तन कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत बाबा का ज्ञान के आधार से मिलता है, परंतु उसको अपने अपनाएंगे तो हो सकता है, अपनाएंगे नहीं। उसका एक अनुपम एग्जाम्पल मैं समझता हूँ, कविता बहन इतने यंग एज में उन्होंने काफ़ी अच्छी हासिल किया ईश्वरीय सेवा। पहले उनकी तकलीफ काफ़ी थी शुगर का और अन्य बीमारी के, लास्ट में लीवर सिरोसिस हो गया, उसके कारण से भी शरीर में उसको तकलीफ, क्योंकि ऐसे बीमारी में बहुत लोग कम समय जीते। उदाहरण के रूप में मैंने देखा जगदीश जी हमारे यज्ञ के पिल्लर थे और यज्ञ के स्तंभ थे और यज्ञ के रक्षक थे, आप समान थे, उनको भी ये प्रॉब्लम था, परंतु उन्होंने भी मधुबन में शांतिवन में पांडवन की हिस्ट्री हॉल में उनका रखा था थोड़े दिन के, थोड़े समय के लिए, उधर ही शरीर छोड़ा, हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से उनको उसका भास हो गया, अभी हमें हॉस्पिटल में रहना नहीं, आज ही सुख धाम में लेके चलो, हम लेके आए उसी दिन शाम को, दो दिन के बाद में उन्होंने शरीर छोड़ा। कहने की भाव है उनको पूर्व संकल्प आ जाते पहले स्थिति, इस शरीर का स्थिति क्या है, और हमारा ड्रामा में चेंज होते हुए पार्ट को चेंज होते हुए, उनकी आत्मा तो वही है परंतु ड्रामा में उनका ये वेशभूष चेंज हो जाएगा, ये आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, ये सेवा चेंज होकर के नया सेवा में हम प्रवेश करना है, उसका भी बात को उनको फीलिंग मैंने देखा होंगे। सेम थिंग दादी प्रकाशमणि जी को मैंने देखा 25 अगस्त, उससे पूर्व में दो दिन मैंने आंध्र प्रदेश में था, रात में 12 बजे 11 बजे निर्वेल जी ने फोन किया, अब दादी कहते ठीक नहीं, अब जल्दी आ जाओ, हम लोग आ गए। उसके बाद में एक दिन में मैंने देखा दादी सामने बैठे थे, उस समय राजस्थान का गवर्नर मैडम दादी से मिलने के लिए आए थे, उनको मिले बेड पर ही मिले, मिलते हुए दादी ने उनको बहुत दृष्टि दे करके एक एप्पल दिया, और एप्पल दे करके थोड़ा मिनट के लिए दादी को चेहरा देखते रहे खुश हो गए, और वहाँ से उठ करके बाहर आ गए, जिस जो में बैठे उनको 10:30 बजे ट्रेन पकड़ करके जयपुर जाना था। उसी टाइम में दिल्ली से एक मैसेज आया, आपको राष्ट्रपति बनने के लिए नामांकन करना। मैंने दादी से मिल के आ करके अभी तक किसी को भी पता नहीं है, उनका मैसेज आया दिल्ली से, आपको जल्दी से सीधा दिल्ली आना। मैंने अव्यक्त होने की स्थिति में कोई भी आत्मा को समीप आता है, उनको एक भास आता है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक दूर दृष्टि दिव्य दृष्टि उनके अंदर पावरफुल होने के कारण दूसरों को ब्लेसिंग को दे सकता है, दूसरों को नया जीवन दर्शन करा सकता है, नया पोस्ट पावर एंड पोजिशन भी दे सकता है। ऐसा अनुभव दादी के माध्यम द्वारा मैंने बहुत बार बहुत समय मैंने देखा, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा दादी के साथ एरोप्लेन में, कार में, हेलीकॉप्टर में, कारों में यात्रा करने का मुझे कई बार चांसेस मिला था, विदेश में भी दादी के साथ। मेरा कहने के भाव ये है, जो स्थिति अच्छा बनाते हैं उनका ऑटोमेटिकली उनकी जीवन में कोई भी चीज़ की कमी नहीं लगता है, सदैव संपन्न संपूर्ण और बाप समान बनने का अनुभव एक्सपीरियंस करते हैं दूसरे, भले आयु कितना छोटा भी हो, बड़ा हो, वृद्धा को, परंतु आत्मा का कर्तव्य जो अलग है वो अनुभव कर सकते हैं, छोटे से भी मैंने देखा बहुत लोगों से। इसके लिए उनकी इस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अधिकांश लोग, भारत सरकार जितने डेवलपमेंट करना था वो नहीं किया, परंतु पांडव दुनिया में मैंने बोले इतने बड़े विस्तार नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में किया, उसका भी एग्जांपल आज का दिन में दिखाई दे रहा है, और बहन जी की सेवा का प्रूफ दिखाई दे रहा है, उनके कर्तव्य निभाने में कितना क्षमता थी वो उसका दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ में प्रेम से क्या नहीं कर सकता है, प्रेम से क्या नहीं बना सकता है, उसका अनुपम एग्जाम्पल आप सबका है। दूसरा तो कोई घर से नहीं लेके आते, बाहर से नहीं लेके आते हैं, परंतु बाबा का बनने के बाद में उनका निश्चय बुद्धि के कार्य के लिए बहुत बड़ा। अब आपको इस समय पर कोई बात, बाप दादा का सहयोग, बाप दादा का मदद, बाप दादा का विश्वास हम सबके प्रति है, तो विश्वास को प्रैक्टिस करते तो ऑटोमेटिकली बाबा ने
अविनाशी आत्मा बना करके, अमर आत्मा बना करके, अपना संग अंग संग में रख करके बाबा ने हम सबको, कोई भी बात आता है कभी अशांति नहीं हो सकता है, घबराहट नहीं हो सकता है, अविश्वास कम नहीं हो सकता है, परंतु समस्या हमको विश्वास में परिवर्तन करके सेवा में चार चांद लगाने का अनुभव करा दें। इसका मैं बहुत अनुभव देखा हूँ जीवन में, परंतु उसका अनुभव में एक अनुपम एग्जाम्पल मैं कविता बहन के जीवन में नहीं देता। इसके लिए ब्राह्मणों को भले एक चोला हम चेंज कर देते, ये एड्रेस चेंज हो जाता है, ये परिचय चेंज हो जाता है, परंतु सूक्ष्म वतन में कम से कम और भी बाबा के साथ रखने का और उससे सकार देने का, दूसरों को हिम्मत दिलाने का, दूसरों के बातों में सहयोग देने का संकल्प उनको मिलता है। इसके लिए हम ब्राह्मणों को, ये परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में आ सकता है, परिवार में आ सकता है, दुनिया में भी आ सकता है, परंतु इसको ही ड्रामा हम कहते हैं। परंतु ड्रामा में निश्चय, बाबा में निश्चय, भविष्य में निश्चय, हमारा पावर में निश्चय, हमारा ताकत में भी निश्चय, हमारा कार्य में दृढ़ता, इतना ऑटोमेटिकली उनको जीवन में आने वाले दिनों में अभी भी ऐसे परिस्थितियाँ दूर कर सकते हैं। मुझे इस कार्य के लिए हम लोग, मैंने डायमंड हॉल में एक स्टेज का रिनोवेशन हुआ था, उसका उद्घाटन है, उसका थोड़ा पुनः प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं उसको कर रहे थे। मैंने सबको बोला, मतलब निर्वेद जी को भी बोला, मुन्नी बहन को भी बोला, करुणा जी हमारे बगल में बैठे थे, और मैं ऐसे ही दिल्ली से मैं इधर जाएंगे तो बोला, इमीडिएटली निर्वेद जी ने भी छुट्टी दिया और मुन्नी बहन ने भी छुट्टी दिया, सभी भाई बहनों उनको भी छुट्टी दिया। मैंने बोला सबके अंदर मन में आपके प्रति, कविता बहन के बाद प्रति, इधर ईस्टर्न जोन के भाई बहनों के प्रति, और विशेष करके शीला बहन के प्रति, क्योंकि शीला बहन भी आने वाले थे परंतु ड्रामानुसार 22 तारीख उधर नहीं आ सके, चीफ मिनिस्टर के टाइम में हेल्थ के कारण बेंगलुरु में गए थे। परंतु परिस्थिति कुछ भी हो, परंतु आपका स्थिति अच्छा होना चाहिए, और इसके साथ स्नेह का पात्रधारी बन करके, दूसरों का स्नेह का भी खींचने के लिए ताकत बन करके, जहाँ कमी है कमजोरी है उसको खत्म करने का एक विधि बन सकते हैं। इसके लिए आप सबका स्नेह है, सबका प्यार है कविता बहन का, परंतु हम उनके कर्तव्य को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। उन्होंने जो अधूरी काम छोड़ा हुआ इसी कारण से भी उसका आप लोग पूर्ण करना, और एकता के सूत्र में बांध करके, मैंने देखा सभी बहनों से कल थोड़े थोड़े मिला, मैं देखा है सबके अंदर उसके प्रति इतने प्रेम था, इतना स्नेह था, उसने ही इनको खींच किया है, यही उनके अंदर अपना कर्तव्य को भी सुधारने के लिए, कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने के लिए उनके संकल्प भी है। मेरे को ये सारा जमीन मैंने देखा, इतनी पहाड़ी इलाके में इस कितना बना, उसके बाद में मैं थोड़ा शहर में गया था, इसका शिव का भूमि है, धार्मिक भूमि है, शक्तिपीठ है, और राजा महाराजा लोगों ने भी बहुत उसका उस धर्म को, उस सिद्धांतों के पर विश्वास चलने वाले, इसके लिए एक वीर भूमि है, धर्म भूमि है, शिव बाबा का कर्तव्य भूमि है, और देव भूमि भी है। ऐसे देव भूमि में जन्म लिया है, देव भूमि में निश्चय बिताए अपने आप को, हम ईश्वरीय सेवा करने के लिए, ईश्वरीय संदेश देने के लिए, ईश्वरीय परिवार के पालना करने के लिए, ये भी एक बहुत पुण्य की बात है और बहुत हिम्मत की बात है, देखने के लिए मिला। मैं इसके लिए मैं प्रत्येक आत्मा को नाम सहित बाबा का, मधुबन का, सभी दादियों का, भाइयों का, विशेष करके ब्रिजमान भाई भी थे दिल्ली में, मैं उससे मिलकर भी आया, और निर्भय जी तो स्टेज पर ही बैठ करके वार्तालाप हमें एक्सचेंज किया, और उन्होंने भी, और मुन्नी बहन ने भी, और भी साथ साथ में मोहिनी बहन, इस समय में न्यूयॉर्क की जो मोहिनी बहन मधुबन में है, उन्होंने कास्ट कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, और इस समय में वो इस संस्था का अतिरिक्त प्रशासिका भी है, और जयंती में थोड़े समय के लिए कुछ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में टूर पर गई थी। परंतु सभी भाई बहने आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, साथ साथ में हम सभी दृढ़ संकल्पों का धनी बने, और विश्वास में
पर्वत की तरह हिला नहीं सकता है, ऐसा बने और सब साधना में सिद्धि में अनुभव विशेष अनुभव करें। ऐसे करने वाले आप सबको भी मधुबन तपोभूमि से अवैध बाबा सहित सभी पूर्व और वर्तमान समय में निमित्त बने हुए दादियों से साथ साथ में परिवार के सभी भाई बहनों का विशेष करके वरिष्ठ भाई बहनें आप सबको बहुत बहुत बधाई भी दिया, धन्यवाद भी दिया और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके लिए पुनः हम लोग दीदी के प्रति कविता बहन के प्रति 5 मिनट ऐसा योग करें इस सारी धरती पर इस आसमान पर एक नया चमक आ जाए। ऐसे चमकने के लिए हम लोगों को चमत्कार चमक भी चमत्कार हो जाए, ऐसी सेवा करने के लिए संकल्प करें। हम सब आत्मा मूर्ति कला का अनुभव करें। 5 मिनट के लिए हम पुनः योग करते हैं। बस तेरी महिमा
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृत्युंजय भाई जी को। तो अभी हम सभी कविता बहन के स्मृति में जो हमारे मधुबन गॉडली उप स्टूडियो से चित्तरंजन भाई बहुत दिल से इधर आए हैं और कुछ उनके लिए वरिष्ठ दादी भाई बहनों के भाइयों के शुभ भावना मधुबन से भी लाए हैं, तो मैं भाई जी को यहाँ बैठ के देखने से अच्छा रहेगा इसलिए नीचे आसन लेने के लिए अनुरोध करती हूँ। अभी हम कुछ झलक देखेंगे, ऐसे तो एक घंटा का बनाया है कविता बहन के ऊपर, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसा बनाया है। बहुत मेहनत करके दो दिन में चित्तरंजन भाई ने बनाया है वहाँ से आके, तो कुछ इधर उधर हो भी सकता है। आज हम लोग भी सब खुद भी वो भी अच्छा से देखेंगे, तो अभी कुछ झलक दिखाएंगे, बाद में जो सारा भोग का प्रोग्राम हो जाएगा तो यहाँ वो चलाएंगे पूरा एक घंटे का। आप लोग भले श्रद्धांजलि भी देते रहना, और सब लोग तो एक साथ नहीं जाएगा, वो देखते भी रहेंगे और यहाँ के भाई बहन बाद में भी देखेंगे, तो इसलिए अभी मैं चित्तरंजन भाई को अनुरोध करती हूँ। तो कविता बहन जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसको चालू करें। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हर आत्मा का देश। ओम शांति। हमारी प्यारी कविता बहन जो त्रिपुरा और बांग्ला देश के इंचार्ज थी, 40 वर्षों से यह बहन बहुत ही तन मन धन से अथक रूप से बाबा की सेवाओं में तत्पर रही। बाबा के गोद में चली गई। ऐसी बहन को हम सभी ब्राह्मण परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, इसलिए हर पाठ को साथी होकर देखना है और चलना है। अच्छा, ओम शांति। अगर ताला की कविता बहन ने अपने पुराने शरीर तो प्यार कर बाप दादा की गोद ली है, आत्मा तो अमर है, अब बाबा उनको उनके अगले पाठ के लिए भेज रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक एक करके सारे ब्राह्मण अपनी संपन्नता को प्राप्त करके अथवा अपना संपन्नता पाठ पूरा करके अपने नए रोल के लिए अगले शरीरों में जा रहे हैं। कविता बहन से मेरा पुराना संपर्क है, तो हमारे कार्यक्रमों में भी जब हम सामने करते थे तो भारती बोला मैं तुमसे मिलना होता था। विशेष तौर पर मुझे याद है कि बांग्लादेश में तो हमको लेके गई थी, हम बांग्लादेश में गए ही नहीं थे, तो कई कुछ वर्ष पहले की बात है कि कविता बहन के साथ हम बांग्लादेश में प्रथम बार गए थे। वहाँ पर हम अपने सेंटर पर रहे, बहन जी ने बहुत अच्छा उनका स्वभाव था,
हर वक्त उनके अंदर बाबा की सेवा करने की, बाबा को प्रत्यक्ष करने की लगन रहती थी। उन्होंने हमारे लिए बहुत कई सारे बांग्लादेश के मंत्रियों से भी हमारी मुलाकात करवाई। मुझे याद है हम प्योरिटी मैगजीन में हमने उनके मुलाकातें और फोटो भी छापे थे, और वहाँ पर जो केंद्र था, केंद्र पर भी उन्होंने विशेष भाई बहनों का एकत्रण किया। हम दो दिन वहाँ रहे थे और किसी प्रकार की भी कमी नहीं छोड़ी उन्होंने सेवा करवाने में, चाहे वहाँ के ब्राह्मण परिवार था, क्योंकि वहाँ से कभी कभी कोई कोई जा पाता था। उन सब से हमारी मुलाकात हुई, उनकी अवस्थाओं की बातचीत की, आगे के लिए सेवा के प्लान बनाए। कविता बहन ने हम लोगों की खातर करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सारा सीन मेरे सामने आ रहा है, उनका मुस्कराता हुआ चेहरा, उनकी मधुर भाषा, उनकी धैर्यता, ये सारे गुण उनके फॉलो करने योग्य हैं। और हम समझते हैं, हम तो ज्ञानी आत्मा हैं, श्री बाबा जरूर उनको आगे के लिए सच्ची की दुनिया में उचित स्थान उनके सेवा के अनुसार देंगे ही देंगे। हम भी सब जल्दी ही इस दुनिया में जाने वाले हैं, फिर हमारा नाम रूप बदल जाएगा, तो सारे हम लोग बाबा का परिवार जो है ईश्वरी परिवार सदा के लिए समझे, सारे चक्कर के लिए, पूरे 83 जन्मों के लिए भिन्न भिन्न नाम रूप से साथ ही रहने वाले हैं। अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखें, हम साथ ही थे, साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे। तो इतना अति इंद्रिय हर्ष जो है सिर्फ ब्राह्मणों को ही प्राप्त हो सकता है। तो हम सब मिल करके उनको, जैसे कहा जाता है, बाबा कहते विदाई नहीं, खुशी खुशी बधाई दे रहे हैं। और अब सब भाई बहन भी मिल करके उनकी जो यादगार बना रहे हैं, उसको एक खुशी के रूप से मनाएं, क्योंकि हम आत्माएं तो अनादि अविनाशी हैं। और आगे हम सारा ब्राह्मण परिवार ब्रह्मा बाबा के साथ साथ ही रहने वाले हैं। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी ब्रह्म कुल के भूषण आदरणीय कविता बहन 22 तारीख अपना पूर्ण शरीर को छोड़ करके 12 के बोध में गए, ये सुनकर हम सबको एक श्राप जैसा लगा, परंतु मैंने इसको बचपन से देखता रहा और उनकी माता जी को, उनकी भाइयों को भी देखा। उन्होंने बहुत सदा प्रसन्न रहते हुए हर काम में हाजिर हाँ करके बाबा के कार्य को त्रिपुरा स्टेट में, आसाम के एरिया में और भी इंडिया में बहुत स्थानों पर जाकर के उन्होंने बहुत सेवा की, और उन्होंने भव्य भवन भी बनाया होगा त्रिपुरा में। मुझे ये सौभाग्य मिला था उधर भी जा कर के उसके भवन के उद्घाटन के समय में पैदी था, और सभी दादी उनको बहुत प्रिय बहन थे, अथक सेवा भरे थे, अनिश्चय बुद्धि थे और विशाल दृष्टि था, और साथ साथ में बांग्लादेश में और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को भी इधर एक बार लेकर आने के लिए अनुरोध बने। उससे पूर्व में सरकार जो थे उनको भी सेवा करके, हमारा विशेष करके मेडिकल कॉन्फ्रेंस, मेडिकल सेवा, मेडिकल इस संगठन में उसकी सेवा की आवश्यकता थी,
और ईश्वरीय सेवा को समर्पित करने आप
Thank you.
पास दिन के समय भोग लेकर के सभी की ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों के याद प्यार लेकर बाबा के पास जब वतन में पहुंची तो पहुंचने के साथ क्या देखती हूँ कि बाबा कहीं से कुछ फूल चुन करके वैरायटी फूल चुन करके बाबा वतन की ओर आ गए। सामने बाबा को देख हमने कहा बाबा को कि आज विशेष कविता बहन जी के निमित्त सभी की याद प्यार लेकर के आए हैं और उनके प्रति जो बाबा आप संदेश सुनाएंगे इमर्ज करेंगे। इतना कहते ही बाबा ने कविता बहन को फूल चुन करके ला रहे हैं। मैंने कहा कि बाबा देखा आपको, तो बाबा ने कहा कि बच्ची जिस बच्ची के लिए याद और भोग लेकर के आई है, फूल की मालाएं भी लाई है, पर बाबा अपनी बच्ची को दिव्य गुणों से दिव्य शक्तियों के जो बाबा फूल चुन रहे थे और चुन करके ला रहे थे, ऐसे कहते हुए बाबा ने जो कविता बहन को वतन में इमर्ज किया, बाबा ने उन्हें बहुत ही प्यार से बहुत ही स्नेह के साथ बाबा ने उन्हें एक एक शक्तियों एक एक गुण के द्वारा इतना सजा दिया था। और जैसे कि वो एक सजी हुई मोती नजर आने लगी, बाबा ने कहा कि बच्ची साकार में बच्चे जब चले जाते हैं वतन की ओर तब उनका गुणगान किया जाता है, उनको याद किया जाता है, पर जब साकार में होते हैं तब उसकी विशेषता कब देखते कब नहीं देखते। पर बाबा ने कहा कि बच्ची इस बच्ची में तो बाबा ने बहुत विशेषताएं देखी बहुत गुण देखे और विशेषताएं भरी बाबा ने। बाबा के बनने के बाद बाबा ने इस बच्ची में बहुत कलाएं बहुत विशेषताएं भरी, क्योंकि बाबा को अपने बच्चों के द्वारा विश्व का कल्याण और विश्व का उद्धार करने के लिए ये बच्ची निमित्त बनी है। ऐसा बाबा सुना रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। और कविता बहन जी तो बड़े स्नेह और प्रेम से
बाबा की तरफ देख रही है, निहार रही है। बाबा ने कहा कि बच्ची का बहुत ही दिल का प्यार, दिल की प्रीत बाबा से लगी हुई थी, तो बाबा ने भी इस बच्ची को वतन में उसी प्रकार ज्ञान रत्नों से, शक्तियों से, गुण से इस बच्ची को सजाया है वतन में। इतना बाबा बड़े प्यार से सुनाते जा रहे हैं और सुनाने के साथ कविता बहन के मस्तक पर, उनके शरीर के अंगों के ऊपर, हाथ हो चाहे सिर हो चाहे पांव हो, हर शरीर के अंग के ऊपर बाबा जैसे कि पुष्पों की माला, गुणों की माला उनके ऊपर लगा रहे, उन्हें सजा रहे हैं। बाबा ने फिर कहा कि बच्ची तो जब से बाबा की बनी और तब से ही बाबा की बनकर बच्ची ने बालिकाल से, छोटेपन से ही अपनी जो सेवाएं की है और अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त की हैं, अनेक आत्माओं को इतना आगे बढ़ाया है, इतना सजाया है, ये बच्ची की विशेष संगम के समय ये विशेषता रही है। बाबा ने कहा कि अभी बाप बच्चों की गुणगान की माला फेरे तो भी कम है, क्योंकि बच्ची ने अपने जीवन में बहुत ही सभी को हर प्रकार से भरपूर किया है, शक्तिवान बनाया है, गुणों से सजाया है और सभी को स्नेह प्यार देकर सभी को चलाया भी है और खुद चली भी है। यह विशेष बच्ची की बहुत बड़ी बलिहारी कहें, कुर्बानी कहें, बच्ची ने अपने जीवन काल में सभी ब्राह्मण बच्चों को दी है। ऐसे कहते बाबा बड़े प्यार से, कभी भोग की थाली की तरफ दृष्टि डालते हैं, कभी कविता बहन की तरफ देखते हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची शरीर का भी हिसाब किताब होता है, पर अपने जीवन में बच्ची ने जो सेवाएं करके इतना ऊंचा भाग्य बनाया है वह तो बाप जाने और बच्ची जानती है, और कोई जान नहीं सकता है। इसलिए बाप तो विशेष ऐसी आत्माओं को, ऐसे बच्चों को हर प्रकार से भरपूर रखते हैं और बाबा भरपूर रखेगा इस बच्ची को। फिर तो बाबा के सामने, कविता बहन के सामने भी भूख की थाली रखी थी, तो बाबा ने बड़े प्यार से, मैं जिस स्थान से भोग लेकर के